से जब श्रीलंका में आग लगाई ना, तभी से रावण को पूंछ से बड़ी चिढ़ती महाराज। रावण को बहुत चिढ़ती पूंछ से। जब युद्ध चला उस समय राम जी ने रावण ने कहा, क्या चल रहा है संग्राम में? तो दूतों ने, राक्षसों ने कहा, बाकी सब अच्छा चल रहा है, पर वो जो बंदर है ना, आगे वालों को तो पछाड़ता है और पीछे वालों को पूंछ से घुमा घुमा कर फेंकता है महाराज। उसकी पूंछ का मत पूछो। तो रावण ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। तो कहते हैं कि मर्द को मूछ से और बंदर को पूंछ बहुत प्यारी होती है महाराज। मर्द को मूछ और बंदर को पूंछ बहुत प्यारी होती है। तो रावण ने कहा, अच्छा जाओ। अमर सेना भेजी रावण ने। कौन सी सेना? पहले तो साधारण सेना भेजी, उनको खदेड़ खदेड़ कर पूंछ में लपेट लपेट कर ऊपर फेंका जो तो ठीक है, लेकिन जब नीचे आए तो सबकी चटनी बट गई महाराज। इतने ऊपर से नीचे आए, सबको पछाड़ दिया। तो रावण ने कहा, पूंछ का इतना कमाल है। तो रावण ने कहा, अमर सेना को भेजी, तुम जाओ। तो रावण की अमर सेना आई। हनुमान जी ने सोचा, ये अमर है तो जानकी जी ने भी तो मुझे अमर होने का वरदान दिया है। जब गए थे ना हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में, उस समय जानकी जी ने आशीर्वाद दिया था अजर अमर होने का। तो कहा, ये अमर है तो मैं भी अमर। पर हनुमान जी ने सोचा, इनसे युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, ना मेरे मारने से ये मरेंगे ना इनके मारने से मैं मरूंगा। तो क्या करो, क्या किया हनुमान जी ने, उस अमर सेना को पूंछ में लपेटा और पूंछ में लपेट कर, ऐसा लपेट कर इतना दूर फेंका, इतना ऊपर फेंका कि कहां गए आज तक पता नहीं चला। जो मर गए सो तो मर गए, लेकिन ये जो अमर थे बेचारे पता नहीं कहां ऊपर भटक रहे, ना नीचे के रहे ना ऊपर के रहे। जब जाकर बताया कि अमर सेना को भी समाप्त कर लिया, तब रावण ने कहा, अब इस पूंछ को ही खत्म करना पड़ेगा, सारा कमाल इस पूंछ का ही तो है। तो रावण आया, हनुमान जी महाराज राम राम जप रहे थे, रावण पीछे से आया और रावण ने हनुमान जी महाराज की पूंछ को पकड़ लिया और उतनी जोर से पकड़ा रावण ने। हनुमान जी ने कहा, अच्छा बेटा अब तू भी लपेटे में आ गया। अब थोड़ी देर तक तो उस पूंछ को पकड़े रहा, के उस पूंछ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। भोले बाबा से कह रहा है, मेरे इष्ट भोले बाबा, ये पूंछ टूट जाए, युद्ध पूंछ के साथ चल रहा है। उस पूंछ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन पूंछ नहीं टूटी महाराज। अब हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी महाराज उड़ने लगे महाराज। हनुमान जी महाराज जैसे ही उड़े, रावण हनुमान जी की पूंछ को छोड़ना भूल गया, तो आप ऊपर उड़े हनुमान जी और पूंछ को पकड़े हुए रावण। अब इतनी देर से तो कह रहा था ये पूंछ टूट जाए, लेकिन जैसे ही हनुमान जी महाराज उड़े और पूंछ पर लटका हुआ रावण, अब ये रावण कह रहा है, मेरे भोले बाबा सब कुछ हो जाए पर ये पूंछ नहीं टूटनी चाहिए। अगर ये पूंछ टूटी तो मेरा राम नाम सत्य हुआ है, बोले बाबा ये पूंछ नहीं टूटनी चाहिए। तभी से महाराज ये रावण पूंछ से बहुत डरता था। तो ऐसी पूंछ का कमाल। अब